मैं करने वाली हूँ पापा पे एक प्रैंक। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। और मैं उठ चुकी हूँ सुबह जल्दी, वेरी जल्दी एक्चुअली। तो मैं अपना खत्म कर चुकी हूँ वर्कआउट, मैं जॉगिंग पे जाती हूँ। तो मतलब मैं जॉगिंग करके आ चुकी हूँ, मैं अपना वर्कआउट खत्म कर लिया पूरा। और ये कुछ आलसी जीव अभी सो के उठी है। 3 दिन का नशा है, 3 दिन का नशा नहीं है, नशा चढ़ा, तेरा तो चढ़ भी नहीं रहा, तेरा तो बस वेट चढ़ रहा है। अभी आज हम अपना दिखाते हैं कि आज हम दिन में क्या करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड इफ यू वांट टू इग्नोर दिस पॉपो तो इग्नोर दिस। आज ना गार्डन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, और हिबिस्कस का जो फूल है वो तो इतना थोड़ा सा खिला था, और अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो। सो लेट मी शो यू। तो ये तो जो नॉर्मली सदाबहार होते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। एंड दिस इज सम वेराइटी ऑफ तुलसी इज योर। और लास्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मनी प्लांट है। ये सब ना मेरी मम्मी की मेहनत है, ये सब मम्मी ने करा है। जो बेसिकली पूरे गमले वमले इन्होंने रखे, ध्यान देना, पानी देना, इसमें खाद डालना, सब मम्मी करती हैं। अब आने वाला है द शो स्टॉपर, एंड दैट इज टेंटन। कितना सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। ये अपने पूरे फुल ब्लूम पे है, एंड जस्ट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बस ये पौधा जो है ना, इसमें एक ही फूल उगता है हमेशा। मैंने देखा है कभी वैसे 2-3 फूल नहीं उगते, फिर ये झड़ जाता है, फिर दूसरा आता है। बिकॉज स्प्रिंग इज कमिंग, तो इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है। कमिंग हियर, दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ तुलसी। और ये लास्ट में इसको ना क्या कहते हैं, 9 o'clock। ओके, ऐसे बच्चे हैं, 18 साल के बालक हैं ये, और अभी से इनमें बुढ़ापा चढ़ गया है। इनके मेहंदी लगानी पड़ रही है इनका ग्रेस ढकने के लिए। ये ऐसे होते हैं बुढ़ापे के शिकार, खाते नहीं है ढंग से। और कैसे खाओ, क्या फायदा होगा तुम्हारी एक्सरसाइज करने का है? खाना अच्छे से खाती हूं। तुम मजाक उड़ा रही थी मेरा है? वो एक्चुअली मैं बचपन में थोड़ी ऐसी थी। अभी भी तुम ऐसी ही हो। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मी। अभी भी ऐसी है ना ये, देख मम्मी भी बोल रही है। और बताती हूँ मैं आपको, परीज फेट इज डूम्ड टुडे। व्हाई? बिकॉज आज है इनके नहाने का दिन, धूप निकली है एकदम मस्तानी, और अब परी की है नहाने की बारी, गुड्डू। हाँ, इसने आज परी की बेल्ट धोई है, बहुत अच्छा काम करा है। बुढ़ापे की शिकार बेल्ट देवी ने परी की बेल्ट धोई आज। चलो परी। अच्छा, परी की बेल्ट छू ली ना, तो परी को लगा कि अब बस मजेदार तरीके से बाहर जाने का प्लान बन रहा है। गाइस, जब तक ये नहीं है तब तक ऐसे लगती है बिल्कुल छिपकली। छिपकली तो लगे, हाँ वो बाल होते हैं जिसकी वजह से इनका, वैसे भी ये अभी ये बुजुर्ग हो गई है तो स्किन काफी लटक गई है। हाँ, फर भी नहीं रहा है और स्किन बहुत लटक गई है। मतलब पहले जब मैं इसे निलाती थी, इतना गुच्छा तो निकलता था, इसकी बॉडी इतनी अच्छी लगती थी ना, मतलब मेरी बच्ची। कुत्ता अभी छुप के बैठा है, अभी कुत्ते को पता नहीं है, बंधने वाली है। जाओ दीदी के पास जाओ। इसको हो चुका है आभास कि आज लड़का माई गॉड, शहंशाह की आलीशान बाल्टी और मग्गा। खुल गया, इसका पट्टा भागने के लिए तैयार, तमीज। ओ मजे आए, आहा ठंडे ठंडे पानी से। हाँ, वार्म वाटर है, ल्यूक वार्म वाटर। आना चाहिए गाना, आए या ना आए, नहाना चाहिए गाना चाहिए, ओ गाना चाहिए। अपना चांद समुखड़ा दिखाओ बेटा, अरे मिलो बच्चो, ये सुंदर सोनो बच्चो है। हमारा डॉगू नहा लिया। ओ,
ओनली छोटा नहा लिया, पूरा फ्लफ 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 लग रहा है। नाउ शी इज लुकिंग ऑल फ्लफी। तो बस इसको कॉम कर देंगे तो इसके जो अजीब से पैचेस हो रहे हैं दे विल बी फाइन। आई नो यू फील सो फ्रेश, आई नो यू आर हैप्पी। मेरा बच्चा, यू आर हैप्पी, यू फील फ्रेश? यस। सो गाइस, मैं करने वाली हूँ पापा पे एक प्रैंक। तो है क्या कि फ़ोन से और मतलब फ़ोन से टीवी कनेक्ट हो जाता है तो आई कैन कंट्रोल द टीवी थ्रू माय फ़ोन, विच पापा डज नॉट नो एंड मम्मी आल्सो डज नॉट नो। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई नई चीज़ है, हमें खुद नहीं पता था, वी ओनली डिस्कवर्ड इट। हम उसे अपने फ़ोन से बंद कर सकते हैं, आगे चैनल चेंज कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो मैं ना कैमरा सेट कर दूँगी, देन आई एम गोना रिकॉर्ड हिज रिएक्शन एंड आई विल सी के हाउ ही रिएक्ट्स। तो चलिए देखते हैं। क्या कर रही है? मैंने क्या किया? क्यों कर रही है मोबाइल से? मैं क्या कर रही हूँ? मैंने आप पे प्रैंक किया। लगाओ न्यूज़, लगा लो अपनी। जैसे तो मैं स्टार्टिंग कर गया, मेकअप थोड़ी ना देखने के लिए बैठा हुआ मैं। लगा लो, लगा लो, लगा लो। आपको पता था फोन से हो जाती है टीवी कनेक्ट? अच्छा, अभी तो बोल रहे थे। है पापा, बताओ पापा, आपके ऊपर किसी ने पहले से प्रैंक करी है क्या? चलो खा लो, खा लो, शांति से खा लो, देख लो अपना यूक्रेन और रशिया। बहुत एक्साइटेड होने वाला है अब बाय, बिकॉज़ अब इस बच्चे का बिस्तर लगने वाला है। बैठी है इस ताक में कि प्लीज मेरा बिस्तर लगा दो। परी, हमारी डॉगी बुड्ढी हो गई, उसे सुनाई नहीं देता है। अभी नहीं उठी क्योंकि इसे पता है कि मम्मी बिस्तर लगाती नहीं है। लेट मी ट्राई एंड क्लोज द डोर। दरवाजा मैंने बंद कर दिया है, लेट्स सी। ये पापा आए, पापा आ गए हैं और पापा के पीछे पीछे परी आ गई देखने के लिए। घड़ी में 10 बज गए ना, एंड इट इज पास्ट हर टाइम। 9 बजे इनको सोना होता है, 9 बजे इनका बिस्तर इन्हें मिल जाना चाहिए यहाँ पे। शी नोज अब मेरा कार्डबोर्ड बिछ गया। यस, राउंड्स एंड राउंड्स एंड आई एम गोना स्लीप। यू लुक सो फ्लफी आफ्टर द बाथ। आप सो जाओ, हम पढ़ेंगे बिकॉज इट इज 10:30 एंड आई एम नॉट अ नाइट पर्सन। आई एम नॉट गोना बर्न द मिडनाइट ऑयल, आई नीड स्लीप। तो बस ये भाई टूल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स कर पुन सो जाएगा। एंड सो बाय, गुड नाइट एंड विश मी ऑल द बेस्ट फॉर माय एग्जाम टुमॉरो।